टुडे वी विल गुरु लिसन टू अ स्टोरी जिसमें कुछ बर्ड्स गुरु हैं. ओके, पेरेंट्स वेरी गुड. नाउ गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी. मॉर्निंग मैम. गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग मैम. गुड मॉर्निंग बच्चों, आप मुझे पहचानते हो? नो मैम. नो मैम. नहीं पहचानते ना, मैं पहली बार आपकी क्लास में आई हूँ. मेरा नाम अलका गुप्ता है और मैं देहरादून में, आपको पता है कि केंद्रीय विद्यालय संगठन का एक रीजनल ऑफिस होता है, पता है आपको? नहीं. अच्छा, पता है. अच्छा, बहुत बढ़िया बात है. तो देहरादून में केंद्रीय विद्यालय का, केंद्रीय विद्यालय संगठन एक क्षेत्रीय कार्यालय होता है, मैं वहां पे काम करती हूँ. अलका गुप्ता मेरा नाम है और मैं असिस्टेंट कमिश्नर हूँ वहाँ पे. आपके पेरेंट्स भी हैं आपके साथ में? यस मैम. तो मैं ना, आप बच्चों माइक ऑफ कर लो, मैं थोड़ी सी आपके ना पेरेंट्स से बात करना चाहूंगी. ठीक है, विकास सिंह नामग्याल, मिसेस नामग्याल. हाँ, मिसेस नामग्याल, यशराज, आप अपने पेरेंट्स को. नमस्कार. हाँ, बाकी बच्चे अपना माइक ऑफ करिए जरा. आपको माइक स्विच ऑफ करना आता है? ऑडियो ऑफ. हाँ, ठीक है. एक माइक अभी ऑन है, उसको भी ऑफ कर लीजिए. सिमर, सिमर 4 लिखा हुआ है. मिस नामग्याल, नेक शिंदे, प्लीज माइक ऑफ कीजिए. मैं थोड़ा सा आपसे पूछना चाहूंगी कि आपके बच्चे स्कूल गए नहीं हैं. और यस मैम. यस मैम. हाँ, नहीं, माइक भी ऑन करना है आपको, बस पेरेंट से मैं एक करूंगी. तो आपको ठीक लग रहा है ऐसे पढ़ाना? बच्चे कंफर्टेबल हैं, समझ में आता है इनको? गुड मॉर्निंग मैम. गुड मॉर्निंग. बताएं थोड़ा सा पेरेंट्स में, बताएं. तीन लोग स्क्रीन पर हैं, कोई भी बोलिए. हाँ, नमस्कार. सॉरी, मैं आपका सवाल नहीं सुन पाई. हाँ, नहीं, मैं ये पूछ रही थी कि बच्चे टीचर से फिजिकली मिले नहीं हैं, अभी तक बच्चे अपने टीचर से मिल नहीं पाए हैं और स्कूल भी नहीं गए हैं, लगभग पूरा साल बीत गया है. तो आपको लगता है कि बच्चे इसमें अच्छा कर पा रहे हैं, समझ आ रहा है इनको? टीचर्स अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं और बच्चे भी समझ पा रहे हैं. मैं ऑनलाइन क्लास होती है, थोड़ा सा फर्क पड़ता है बच्चों पे. हाँ, फर्क पड़ता है, लेकिन मतलब आपको क्या लगता है? ये आवाज क्लियर नहीं आ रही है मैम. अभी क्लियर आ रही है आवाज? अभी आ रही है मेरी आवाज क्लियर? जी, यस मैम. यस मैम, यस मैम. हाँ, तो बताएं क्या दिक्कतें आ रही हैं बच्चों को? गला चुभ रहा है. वैसे तो ठीक ही है, ऑनलाइन क्लास के हिसाब से जितना टीचर पढ़ाते हैं बच्चे समझ रहे हैं. तो ऐसी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. नेटवर्क का जरूर इश्यू हो जाता है यहाँ पे, बाकी टीचर्स की तरफ से ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है. क्या सबसे ज्यादा आपको लगता है कि मिस कर रहे हैं? मैम, जो टीचर का डर होता है बच्चों के मन में, वो चीज नहीं है. इससे बच्चे पढ़ते भी नहीं. थोड़ा सा जो स्कूल का प्रेशर होता है वो चीज. हाँ, नहीं है. तो पढ़ने में थोड़ा सा है, जितना जितना बच्चे अभी तक सीख पाए हैं हिंदी में, इंग्लिश में, मैथ्स में, साइंस में. हाँ, या और भी दूसरी एक्टिविटीज भी बच्चों को बहुत कराई जाती होंगी, ऐसे मुझे उम्मीद है. तो बच्चे सीख पाए हैं? हाँ जी मैम,
सीख रहे हैं, जो पढ़ा बताया जा रहा है बच्चे सीख रहे हैं। अच्छा, आप कोई सजेशन देना चाहेंगी मिसेस दुबे? आप बताएं, फिर किसी और से भी बात करती हूँ। हाँ जी मैम, अब कोई सजेशन देना चाहेंगे कि हम कुछ ऑनलाइन क्लास इम्प्रूवमेंट के कर लिए पाए? तो मैम, ऑनलाइन क्लास के लिए तो जो चल रहा है वो बेटर है फिलहाल, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि अभी ये बच्चे तो स्कूल नहीं आ पाएंगे, हाँ जी मैम, 8 फरवरी से, जबकि सिक्स टू तीन नाइन्थ और 11th को के लिए खोला है उत्तराखंड सरकार ने स्कूल, पर ये छोटे जी। बच्चे तो स्कूल नहीं आ पाएंगे। हाँ जी मैम, जैसे चल रहा है वैसे ठीक है, अच्छा अच्छा, चल रहा है। और कोई पेरेंट कुछ बताना चाहेंगे? बताइए मैडम। सिमर लिखा हुआ आ रहा है मैम, स्क्रीन पर। बच्चा, लेकिन बच्चे जितना मैडम स्कूल में क्लास में सीख पाएंगे, इतना ऑनलाइन क्लास में उनको नहीं हो पा रहा है, फिर भी कोशिश कर रहे हैं मैम। अच्छा, इन्होंने नोटबुक्स वगैरह बनाई हैं, किताबें हैं इनके पास, बच्चों के पास? हर विषय की किताब है, हाँ मैम, किताब हर विषय की भी। कॉपी भी बनी हुई है, यस मैम, हर हाँ विषय मैम, की कॉपी। अच्छा, कुछ अब स्कूल से वर्कशीट वगैरह मिलती है इनको करने के लिए? हाँ मैम, मिलती है। हाँ मिलती है वर्कशीट्स, तो फिर ये व्हाट्सएप कैसे सबमिट करते हैं? में। गुड व्हाट्सएप में सबमिट? मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। मैम, चलो, अच्छा, स्कूल की प्रेयर कितने बच्चों को आती है? मुझे जब बस अपना हाथ ऐसे करके बताओ जितने बच्चों को स्कूल की प्रेयर आती है। आती है प्रेयर? आती है? अच्छा, जो स्क्रीन पे पूजा ठाकुर लिखा है उस बच्चे ने सबसे पहले हाथ उठाया था। उसके बाद शोभा लिखा हुआ है, उस बच्चे ने हाथ उठाया। तो पहली दो लाइनें आप बताइए जिसमें पूजा लिखा हुआ है, पहली दो लाइन बोल के बताओगे? ओम असतो मा सद्गमाया तमसो मा ज्योतिर्गमाया। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। बच्चे भी आते हैं बोल। अच्छा, चलिए, अब आप रुकिए। अब शोभा जिसमें लिखा हुआ है वो बच्चे ने दूसरा हाथ उठाया था, आगे की दो लाइन। हाँ बोलो बेटा, इसके आगे की बोलना। तो माँ सदगमाया, नहीं खुला हो गया, अब आप वहां से बोलो दया कर। दया का हाँ, सारे बच्चे बोलिए। चलिए, मुझे पता चल गया कि आपको आता है। और प्लेज भी आती है क्या? मम्मा, पापा, अच्छा, कोई पोएम आप सुना सकते हैं? अ पोएम इन इंग्लिश। माय हाउस इज रेड, My house is red. A little house. A little house. A happy child. A happy child. I love. I like. And play. In the play. And play. The dog. Whole day. Whole day. ओके ओके, चलिए, वेरी गुड।
आयुष, तो आयुष आप इंग्लिश में सुनाओगे या हिंदी की सुनाओगे? इंग्लिश या हिंदी कोई सी भी सुनाओ, और जरूरी नहीं है कि आप इंग्लिश किताब के बाहर भी सुना सकते हैं। मुझे हिंदी में भी आता है। चलो हिंदी का सुनाओ। मुझे हिंदी में भी आता है। हाँ ठीक है आयुष। ओके आयुष आप, ओके आयुष आप सुना दीजिए। अब बाकी बच्चे अपना माइक ऑफ करिए। बाकी myself till I am dry, dry, dry. Hands to wash us and to and wet left and a shining nose. Okay, very good. अब मैं आपकी मैम को बोलूंगी कि जो भी बच्चे बोल रहे हैं सबको स्टार्स मिलेंगे, ठीक है? Okay, मैम. Okay. अच्छा, एंड हैव यू विजिटेड योर स्कूल? यस मैम। यस यू हैव विजिटेड योर स्कूल? हाउ इज इट लुकिंग? व्हाट इज द कलर ऑफ बिल्डिंग? येलो, येलो, येलो कलर बिल्डिंग। इट्स अ बिग बिल्डिंग और स्मॉल बिल्डिंग? बिग, बिग। इट इज बिग। ओके, एंड इट इज सिंगल स्टोरी और डबल स्टोरी? ये बताइए कि आपने अपने स्कूल की कोई फिल्म देखी है क्या? आपकी मैम ने या सर ने आपकी स्कूल की कोई वीडियो दिखाई है, कोई फिल्म बना के देखिए? आपने और क्या क्या देखा आपने स्कूल में? स्कूल की फिल्म में क्या क्या देखा? कुनिका, ये रोहिणी जिसमें लिखा हुआ है ये बच्ची अनुष्का, टू टेल मी व्हाट यू हैव सीन इन योर स्कूल वीडियो। बताओगे आपके स्कूल बिल्डिंग के वीडियो में क्या देखा? हाँ बोलिए। हमारी क्लास की बहुत सेफ बनी हुई है। अच्छा, और क्या है? झूले हैं बहुत सारे। अच्छा, आप भी बोलिए बेटा, जो ये नागिया किसा हुआ बच्चे का, हाँ जो आप पिंक कैप लगाए हुए। यशराज, यशराज आप बोलिए, क्या क्या देखा आपने स्कूल बिल्डिंग में? रोज जाता हूँ ग्राउंड तभी। क्लास के जी मैम, क्लास में क्या देखा, ग्राउंड में क्या देखा? प्रिंसिपल सर को देखा? क्या देखा? मैच। हाँ, आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही है अभी। क्लियर मैम। ग्राउंड, ग्राउंड भी है स्कूल में? ग्राउंड जी, बाहर। चलिए, आप लोगों को समझ में आता है जो पढ़ाया जाता है? अच्छा, मुझे एक जी मैम, जी मैम, यस मैम, और की टेबल सुनाओ मैम। ओके, यस मैम, टेबल्स करवाएं?
Ma'am, this math teacher has done that. The 24, 24, 4, 7, 28, 4, 8, 32, 4, 9, 30, 4, 10, 40. Very good. Very good. I'll clap for you. आप कौन सी सुनाओगे? Any more table? नहीं नहीं आप five की सुना सकते हैं? Okay. अच्छा 6 + 9 क्या होता है? 6 + 9 Oh no no, this is wrong. 15. हाँ कितना बोला? 15 is correct answer. 15. Okay. If I have I have 5 books and if I get 2 more books, how many books I will have? I have 5 books. If I get मम्मी बड़े भाई बहन या मम्मी अगर है साथ में तो आप भी बताइए बच्चों को करने दीजिए. I have 5 books. If I get 7 more books, how many books I will have? 5 books पहले थी, 7 और आ गई. आवाज नहीं आ रही. अच्छा 5 books है पहले से. कितना? 10. और प्रैक्टिस करना ही नहीं अभी आप लोगों का थोड़ा सा एडिशन आवाज अच्छा. चलिए बच्चों अब मैं आपको बोलूंगी कि आप से अपना काम कर रहे हैं. कैन यू शो मी योर कॉपीज नोटबुक्स दिखा सकते हो मुझे स्क्रीन पे ऐसे करके ऐसे खोल के दिखाइए. आयुष की देख रही हूँ. ठीक है आयुष, वेरी गुड. ओके अब आयुष क्या आप अपना माइक ऑन ऑफ कर दो, मैं दूसरे पर देखती हूँ. आप दिखाइए. जस्ट शो मी. ठाकुर प्लीज शो मी योर नोटबुक. एक बार दिखाएंगे क्या? हाँ सुनिका, ये बच्चा कौन है पूजा, जिसमें पूजा ठाकुर लिखा हुआ है? मैम ही इज आयुष ओनली, जिसको भी आपने देखी है. अच्छा यस मैम. ये जिसका स्वेटर ऊपर से रेड है आप बताइए क्या नाम है? आयुष. एक बार दिखाइए आप अपनी कॉपी. आयुष आप अपनी दोबारा दिखाइए. कोई सी भी कॉपी खोल के दिखाइए मुझे स्क्रीन पे. यहाँ पे आपने वर्क करा है. फोन के पास ले जाओ. ये सब कौन सा सब्जेक्ट है? ये कौन सा सब्जेक्ट? इंग्लिश है ये. ओके लेके आइए थोड़ा. ठीक
ठीक है, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हाँ, ये हमारे घर से बनाया हुआ है, बहुत सुंदर बनाया है। आपने बनाया? मैं नहीं बनाया। मैंने नहीं बनाया। अरे बहुत अच्छी ड्राइंग की आपने, बहुत सुंदर। और लिखा क्या है ये, एक बार जरा पढ़ के सुना सकते हो? अपनी तरफ कर लो नोटबुक, अपनी तरफ अपना देख के सुनो जरा क्या लिखा है। बेटर रीड करिए। एंड ऑन द वेरी गुड वेरी गुड एंड वेंट एंड डाउन I climbed up a great down horse and it and ठीक है, ठीक है बेटा, ठीक है, ओके, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मैम, ओके मैम, ओके, नाउ Now who wants to show his or her notebook? Yes. This is English? No, ma'am. Yes, yes ma'am. Yes, ma'am. Okay, just can you read two lines, first two lines, what you have written? Anushka, read it. Read first, just please read two lines, Anushka. Try to read. मैम मुझे समझ नहीं आ रहा। जोर से बोलो, जोर से बोलो, जोर से बोलो, जोर से बोल रहे हैं। डी Order by U. Yes, very good. We have a B A C H. But thank you. Okay. And by. By. Thank you. Thank you. Okay, now, मैं आप सभी पेरेंट्स को कहना चाहूंगी, जितनी भी मदर्स यहाँ पे हैं, टीचर्स को अपनी मेहनत करनी है, क्लासेस ले रहे हैं, लेकिन आप सभी पेरेंट्स को भी काफी जिम्मेदारी उठानी पड़ रही है और इस जिम्मेदारी को आप लोग बहुत बखूबी निभा भी रहे हैं, तो आपका सहयोग हम लोगों को अपेक्षित रहेगा। जब तक बच्चे एक्चुअल क्लासेस में स्कूल नहीं आ पाते हैं, तब तक आप सभी का सहयोग के लिए मैं एक तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और बहुत आभारी हूँ कि आप भी इस हमारे बच्चों के पढ़ाने का दायित्व बखूबी निभा रहे हैं। जब बच्चे स्कूल में आएंगे दूसरी बात होगी, लेकिन अभी आपका भी सहयोग, आपके सहयोग की अपेक्षा है। बच्चों को किताब के अलावा भी अगर आपके घर में कोई भी पढ़ने की चीज है, न्यूज़पेपर है या और कोई किताब है, तो थोड़ा सा बच्चों को पढ़वाएं, जिससे कि बच्चे पढ़ना सीखें, क्योंकि स्कूल की किताब तो बच्चे पढ़ ही लेते हैं, इनको याद भी हो जाती है किताबें बार बार रिपीट करने से, लेकिन वास्तव में पढ़ना सीखा है ये नहीं जान पाएंगे जब जो इनके किताब में नहीं है उसे पढ़ पाते हैं। तो इसके लिए न्यूज़पेपर या और भी कुछ, जो भी कुछ और मटेरियल है, कोई और किताब है, उसके अगर एक दो सेंटेंस ये रोज पढ़ें या लिखने की प्रैक्टिस करें, तो ये वास्तव में पढ़ना और लिखना सीखेंगे। और बच्चे बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा हम लोगों से बात करके, एकदम अपने आप को प्रकट
सभी का बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू वेरी मच. आगे भी थैंक यू मैम. अच्छा अब बच्चों आप लोग अपने ना सब लोग माइक ऑफ कर लो और जो मैडम बोलेंगे ना उसको ध्यान से सुना सुना. माइक ऑफ करना प्लीज. बाकी बच्चे माइक ऑफ कर लीजिए. हाँ भाई माइक ऑफ कर लीजिए सर. व्हाट डू यू फील बिकॉज यू आर नॉट एबल टू सी द स्टूडेंट्स मीट द स्टूडेंट्स फिजिकली एंड फेस टू फेस. व्हाट आर द प्रॉब्लम्स दैट यू आर फेसिंग और व्हाट आर द प्लस पॉइंट्स एज वेल एज द प्लस पॉइंट्स. मैम ma'am, me being the class teacher, I have been in contact with them through video call and many of the parents come to school for assignments or personal problems. But I think the major faced by the subject teachers because not contact with the students. So it is a very, you know, difficult kind of situation where a few of the students connect frequently, but due to network problem, many students are not able to connect through video calls. They attend the WhatsApp classes, they submit the work, but they're not able to listen to the voice or genuinely interact, you know, face to face. So I think that will create a problem in recognition and creating a rapport. Means they know how to do work, but I think that a teacher-student interaction is needed. That is missed in these classes because I connect with 10 students, 12 students on daily basis, but I feel that still those who can't connect through online classes are still left. Okay, so what is the total number in this class? Ma'am, 30. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Out of 30, today 6 are present. And I think 2-3 months back also I observed this class. And that time also, yes, ma'am, almost 10 to 12 students were there that time. Yes, yes. Are you also sending video lessons on WhatsApp? Yes, ma'am. We send video lessons. Whenever we send worksheet, we send audio explanation of them. The things that I teach in online classes, I circulate those audios, videos or messages in Hindi, English, as well as through audio, videos, everything. YouTube links are also shared with the students. So that I will be... Do you require any support from your school or from regional office to conduct these classes? Ma'am, being a teacher, I don't frank. Need support. Be very frank to give your suggestions to parents and any help that you need for a smooth running. Ma'am, I think that a few... I think that few parents generally don't have phones with them. So I think that we can help such parents. Although we provide them worksheets, but I think that that worksheets are not sufficient because regular classes have much more than those worksheets. So I think that for such parents, we can help those parents who generally have problems at their home and can't afford phones and all, because I try to help them. We call them in school. I interact with few parents personally by, you know, I call students because I live in campus only. So those students who live in the campus, I interact with them. But I think that few parents generally don't have phones or technology with them. So we can help them as a part of the bigger organization by providing them few things. Have your principal ever spoken to NHPC regarding this? Yes. They have regular meetings with the NHPC once. In fact, principals are also NHPC parents. Also visit them regularly. CGMs are of NHPC visit regularly. We have a VMC meeting also yesterday. So it happened.
but everyone have their own constraints, so I don't know about what they talk, but yes, they talk frequently. Okay, thank you very much. Nice interacting with the students, parents, and you. Yes, ma'am. Thank you very much. Ma'am, any feedback from your side too, which I can improve on my part? Because you interact with many schools, so you can differentiate. Okay, ma'am. Thank you, ma'am. Wait, you don't have to leave. आप अभी छोड़ो मत क्लास को, अभी थोड़ा सा तो पढ़. ओके मैम गई है, बट अभी हमें पढ़ना है. ओके यस मैम. ओके नाउ आप मुझे बताइएगा कि आपको स्क्रीन पर सब कुछ दिखाई दे रहा है जो मैंने आपको दिखाया. कैन यू सी दिस पिक्चर ऑन द स्क्रीन? कैन यू सी व्हाट कैन यू सी व्हाट कैन यू सी आपको क्या दिखाई दे रहा है? देख रहे ना आपको? वन बाय वन आंसर. व्हाट कैन यू सी आपको पिक्चर में क्या दिखाई दे रहा है? वेरी गुड वेरी गुड. ओके ओके सी ओके ओके ओके. आप मैम की बात सुनिए. आप वेट 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 जो अब आप एक साथ बोलोगे तो किसी को सुनाई नहीं देगा. अब मैम जिस बच्चे का नाम लेंगी वो बच्चा आंसर करेगा. ओके युक्ता आपको क्या दिखाई दे रहा है ऑन द स्क्रीन? इफ यू कैन हियर मी टेल मी कि आपको स्क्रीन पर क्या दिखाई दे रहा है? व्हाट हाउस? व्हाट इज द कलर ऑफ द हाउस? येलो. ओके एंड ऊपर है हाउस के? ओके पैरेट. व्हाट इज द कलर? ओके व्हाट? ओके आयुष नाउ व्हाट कैन यू सी? व्हाट कैन यू सी आयुष? अब व्हाट कैन यू सी? अब आपको और क्या दिखाई दे रहा है? कैन यू टेल मी? क्रो मैंगो. ओके वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड. ओके सो टुडे वी विल रीड अ स्टोरी मिट्टू. दिस द नेम ऑफ द पैरेट इज मिट्टू. व्हाट इज द नेम ऑफ द पैरेट? मिट्टू. मिट्टू. व्हाट इज द नेम ऑफ द पैरेट? मिट्टू. तो द नेम ऑफ द चैप्टर इज मिट्टू एंड द येलो मैंगो. व्हाट इज द नेम ऑफ द चैप्टर? मिट्टू एंड द येलो मैंगो. What is the color of the mango? What is the color of the mango? Very good. Very good. Very good. Now see this. Can you see the parrot Mittu? Can you see the parrot Mittu? Yes, ma'am. तो it is a green parrot with a red beak. तो उसकी जो beak है जो आगे की चोंच है वो कौन से color की है? Red. Very good. So the parrot is of green color and it has red beak. It has red beak. Which beak? Which color beak? Which color beak? What is the color of the beak? What is the color of the beak? Beak ka color kya hai? No. No. Beak. Beak. Beak ka kya color hai? Green. No, पैरट का कलर ग्रीन है. जो आगे की बीक होती है, जो आगे की चोंच होती है, जो माउथ होता है पैरट का, उसका कलर क्या है? वेरी गुड रेड. ओके वन डे ही वॉज फ्लाइंग ही लव्ड टू फ्लाई. तो एक दिन जो मिट्टू पैरट था वो फ्लाई कर रहा था. ही वॉज फ्लाइंग वो उड़ रहा था. ही लव्ड टू फ्लाई उसको फ्लाई करने में उड़ने में बहुत मजा आता है. तो ही वॉज फ्लाइंग. तो व्हाट वॉज द पैरट डूइंग? ही वॉज फ्लाइंग. तो पैरट क्या कर रहा था? मित्तू पैरट उड़ रहा था. ओके आपने बर्ड्स को उड़ते हुए देखा है कभी? बर्ड्स फ्लाइंग. ओके तो वैसे ही मित्तू पैरट भी उड़ रहा था. अब आगे क्या हुआ?
He looked down, he saw a big yellow mango on a tree. तो उसने नीचे देखा तो he saw a big yellow mango on a tree. तो क्या देखा उसने parrot ने नीचे tree के ऊपर क्या देखा? Mango. कौन से कलर का मैंगो? येलो मैंगो. तो जो येलो मैंगो होते हैं वो पता है ना सब मीठे होते हैं और पके पके होते हैं. Yes, ma'am. Yes, ma'am. और किसी ने कच्चे मैंगो देखे हैं? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. जो अंदर जो खट्टे मैंगो होते हैं. खट्टे मैंगो कौन से कलर के होते हैं? ग्रीन. वेरी गुड. खट्टे मैंगो ग्रीन कलर के. जो मीठे मैंगो होते हैं वो कौन से कलर के होते हैं? राइप्ड मैंगो कौन से कलर के होंगे? येलो. तो जैसे उड़ते उड़ते मिट्टू ने नीचे देखा, he looked down, he saw a big yellow mango on a tree. तो उसने ट्री के ऊपर एक बहुत ही बड़ा येलो मैंगो देखा. अब किसी का भी मन करेगा खाने का? किसका मैंगो खाने का मन करता है? मेरा. है ना? तो अब ट्री के ऊपर क्या था? येलो मैंगो था. तो उसने मैंगो खाने का उसका मन किया. मित्तू लाइक्ड मैंगोज. तो मित्तू को मैंगोज बहुत पसंद थे. तो मित्तू ने क्या बोला? आई वॉन्ट टू ईट दैट येलो मैंगो. तो मित्तू सेड दैट आई वॉन्ट टू ईट दैट येलो मैंगो. तो मित्तू ने बोला कि मुझे यह येलो मैंगो क्या करना है? आई हैव टू ईट इट. मुझे मैंगो खाना है. तो मित्तू का खाने का बहुत ज्यादा मन कर गया. ओके, सबका मन करेगा राइट? मित्तू ने कुछ गलत सोचा या अच्छा सोचा? अच्छा सोचा. वेरी गुड. Now see, he fell, flew down to the green tree. तो वो उड़ते उड़ते he flew down, वो नीचे की तरफ उड़ा. He flew down to the tree. और वो किसके पास आ गया? Parrot. नीचे parrot किसके पास आया? Parrot नीचे उड़ के. Tell me. Tree. किसके पास? Very good. अब tree के पास क्या करने आया वो? Tell me what, why did he came to the tree? Mango, to eat mango. So he came to eat mango, right? Yes, ma'am. Okay, now he looked up. He saw a big black crow. तो सबने crow देखे हैं? What is crow? Crow को हिंदी में क्या बोलते हैं? कौवा. कौवा कैसे करते हैं? कौवा की आवाज करके दिखाओ. कैसे करेगा? तो मित्तू ने देखा कि उस पेड़ पे तो एक बहुत बड़ा ही सॉ अ बिग ब्लैक क्रो. तो उसने देखा कि उस पेड़ पे तो एक बहुत बड़ा काला क्रो ब्लैक क्रो रहता है. तो क्रो ने क्या बोला मित्तू को देख के? को को गो अवे, दिस इज माय ट्री. यानी कि जाओ तुम यहाँ से जाओ. दिस इज ट्री. ऐसा किसने बोला? क्रो ने किसको बोला ये? पैरेट को. और पैरेट का नेम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ द पैरेट? मिट्टू. वेरी गुड. तो जो क्रो है उसने फाइट करना शुरू करा किसके साथ? पैरेट के साथ. एंड बोलना शुरू करा कि तुम यहाँ से जाओ, यह मेरा ट्री है. दिस इज माई ट्री. यू डोंट कम टू माई ट्री. ओके. ओके, नाउ दिस इज क्रो. सबको क्रो दिखाई दे रहा है ऑन द स्क्रीन? यस मैम. ओके, द क्रो हैड अ वेरी लाउड वॉइस. तो आपने सबकी क्रो की कौ कौ सुनी होगी. तो क्रो बहुत ही लाउड वॉइस में बोलता है ना? यस मैम. अब मित्तू तो बहुत ही स्वीट सा पैरट. तो मित्तू वॉज अफ्रेड. ओके. हमारी मैम अभी वो निकाल रहे हैं. ओके, नाउ कैन यू सी द क्रो ऑन द स्क्रीन?
Yes, ma'am. तो मित्तू तो बहुत ही क्यूट पैरेट, तो मित्तू वॉज अफ्रेड ऑफ द क्रो, he flew away. तो मित्तू वॉज अफ्रेड, अफ्रेड मतलब he was scared, वो डर गया, मित्तू डर गया. किससे डरा तू? किससे डरा मित्तू? वेरी गुड. तो कोई भी तेज आवाज में बात करता है, whenever we talk loudly, rudely to another one, तो हमें तो बुरा लगता है ना दूसरे को. तो वैसे ही मित्तू वो उड़ के चला गया, तो he flew away. ओके यस मैम. अब मित्तू saw a, मित्तू saw a red balloon. अब मित्तू को क्या दिखा? एक red balloon. And red balloon कहाँ पे दिखाई दे रहा है मित्तू को? Where can he see the red red balloon? Tell me. Under a tree. Very good. Tree के नीचे. Under a tree. So saw a red balloon. It was under a tree. It was under a tree. तो अब मित्तू हैड एन आइडिया. तो मित्तू के एक आइडिया आया. अब सोचो मित्तू को क्या आइडिया आ सकता है? कैन यू इमेजिन कि मित्तू को क्या आइडिया आ सकता है? कैन यू इमेजिन मित्तू को क्या आइडिया आ सकता है? टेल मी. ओके और क्या फोड़ सकता है? ही कैन बर्स्ट द बैलून. एंड मोर और क्या हो सकता है आइडिया? व्हाट कैन ही सी? ओके नाउ सी ही पिक्ड अप द रेड बैलून. तो मित्तू ने क्या करा? उसने रेड बैलून को उठाया. ही वॉज केयरफुल नॉट टू बर्स्ट इट. तो मित्तू ने वो नहीं किया जो आपने सोचा. मित्तू ने गुब्बारे को बर्स्ट नहीं किया. मित्तू इतना केयरफुल रहा कि जो वो बलून है वो फूटे ना. ओके तो मित्तू पिक्ड अप द रेड बैलून. तो मित्तू ने क्या करा? रेड बैलून को पिक किया. ही पिक्ड अप द रेड बैलून. क्या किया मित्तू ने? व्हाट डिड मित्तू डू? टेल मी. मित्तू ने क्या किया? अनुष्का बताइए क्या किया मित्तू ने? अनुष्का व्हाट डिड मित्तू डू? युक्त मी व्हाट डिड मित्तू डू? टेल मी. नो हाँ रखा या उठाया? गुड. तो ही पिक्ड अप द रेड बैलून. मित्तू ने जो रेड बैलून था उसको उठाया. ओके अब मित्तू उड़ के दोबारा कहाँ चल? बेटा आप लोग अपने माइक ऑफ कर लीजिए. ओके ही फ्लू टू द मैंगो ट्री. अब मित्तू उड़ के कहां गया? ही फ्लू टू द मैंगो ट्री. वो किसके पास चला गया? मैंगो ट्री के पास चला गया. द क्रो वाज सिटिंग ऑन द ट्री. तो जो क्रो था वो किसके ऊपर बैठा हुआ था? द क्रो वाज सिटिंग ऑन द ट्री. तो ही फ्लू टू द मैंगो ट्री. एंड अभी भी जो क्रो था वो किसी अपने ही मैंगो ट्री के पास बैठा हुआ था. तो मित्तू अभी दोबारा कहां आया? पिछली जगह उसी ट्री के पास मित्तू दोबारा आ गया है ना. बेटा अपना माइक ऑफ कर लीजिए. सारे बच्चे प्लीज म्यूट कर लीजिए माइक को. ओके नाउ मित्तू वेंट बिहाइंड द ट्री. अब मित्तू चुपके से ट्री के पीछे चला गया. ही वेंट बिहाइंड द ट्री. तो ट्री के पीछे वो चुपके से गया. वो चुपके से क्यों गया? क्योंकि आगे कौन बैठा था ट्री के ऊपर? कौवा. तो वो क्रो से डर रहा था. तो वो क्रो से डर के अब ट्री के पीछे चला गया. ही पेक्ड द बैलून विद हिज रेड बीक. तो अगर वो अपनी बीक से बलून को मारेगा तो बलून क्या होगा बताओ? उड़ जाएगा. और हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था द बबल द स्ट्रॉ वाले चैप्टर में कि जो जब बलून फूटता है या जो जैसे बबल फूटता था तो वो कैसे फिटा था? कोई चीज कैसे फूटती है?
बहुत तेज क्या आती है जब कुछ चीज फूटती है तो? टेल मी बलून जब फूटता है तो कैसा होता है? हम बर्थडे से बलून फूटते हैं तो हाउ हाउ डज इट फील, कैसा होता है जब बलून फूटता है बताइए? तेज तेज तेज, वेरी गुड, आवाज आती है तो वॉइस कम। और आवाज कैसे आती है, धीरे से आती है तेज आती है? एक बहुत ही ज्यादा लाउड वॉइस आई, तो अब लाउड वॉइस आएगी तो कौन डरेगा? मिट्टू। मिट्टू नो, मिट्टू ने तो फोड़ा है, मिट्टू ने तो फोड़ा है, वो तो मिट्टू का आइडिया था। तो कौन डरेगा, क्रो पे कौन बैठा था? वेरी गुड, क्रो। तो क्रो के लिए, क्रो को रिबेलने के लिए, क्रो को भगाने के लिए मिट्टू ने एक आइडिया सोचा कि उसने बैलून उठाया और बैलून को चुपके से जाके फोड़ दिया। अब एकदम से इतनी तेज आवाज आई, द बैलून बर्स्टेड, इट मेड अ लाउड वॉइस, तो एक पॉप करके बहुत तेज आवाज आई। अब उसके बाद क्या हुआ, द क्रो फेल डाउन, जो क्रो था वो नीचे गिर गया। अब जो क्रो था वो क्या हुआ, गिर गया। क्रो फेल डाउन, क्रो डर के मारे नीचे गिर गया। ओके यस मैम। क्रो को क्या लगा, क्रो को लगा काउ काउ, अ बिग गन इज आफ्टर मी। क्रो को लगा कि कोई एक बहुत बड़ी बंदूक है जो उसके पीछे है, तो क्रो को लगा कि कोई उसको मारना चाहता है। तो क्रो को उसकी आवाज कैसी लगी, बलून की आवाज क्रो को कैसी लगी, गन के जैसी। कैसी लगी, तो जैसे पहले मित्तू डर था, तेज आवाज से कौन डर गया, मित्तू। कौन डरा, टेल मी, वेरी गुड। अब कौन डरा, क्रो। द क्रो फ्लू अवे, अब क्रो उड़ गया, ही नेवर केम बैक टू द ट्री, अब वो उस ट्री पे दोबारा कभी वापस नहीं आया। तो क्रो फ्लू अवे, ही नेवर केम बैक टू द ट्री, अब क्रो उड़ गया और वो ट्री पे कभी वापस नहीं आया, वो ट्री पे कभी वापस नहीं आया। मित्तू दोबारा ट्री पे आ गया एंड फिर मित्तू ने क्या खाया, पिक्चर में देख के बताओ क्या खाया मित्तू ने? हाँ, ये इंग्लिश क्लास है ना, तो ही एट द बिग येलो मैंगो। कैसा मैंगो खाया उसने, बिग येलो मैंगो। ओके, ही वाज हैप्पी। अब मित्तू बहुत हैप्पी था, क्लेवर मित्तू, मित्तू बहुत ज्यादा चालाक था ना, समझदार था, बस क्लेवर, तो हमने मित्तू का नाम दिया क्लेवर मित्तू। कैसा मित्तू, क्लेवर, इंटेलिजेंट, क्लेवर। ओके यस मैम, यस मैम। ओके नाउ दिस इज विच कलर, दिस इज विच कलर, ब्लैक, ब्लैक, वेरी गुड, वेरी गुड, ब्लैक कलर। नाउ दिस इज क्रो, ब्लैक, ब्लैक, क्रो, ब्लैक क्रो, दिस इज ब्लैक क्रो, क्रो ब्लैक। ओके नाउ व्हाट आर दीज, व्हाट आर दीज, येलो मैंगो, येलो मैंगो, दीज आर येलो, येलो मैंगो, एंड दिस इज ग्रीन पैरेट, ग्रीन पैरेट, पैरेट, व्हिच पैरेट, यस, and these are, this is red, which balloon, which color, red balloon, red. So this balloon. Is red balloon, very good. Now your first question is, what did Mittu see on the tree, Mittu ne tree ke upar kya dekha, what did Mittu see on the tree? Mango, mango, which mango, mango, yellow, big yellow mango, which mango, big yellow mango, big yellow, big yellow. Okay, what did the black crow say? What did the black crow say? जो black crow था उसने क्या बोला था? What did the black crow say? Now this is second question. What did the black crow say? Mango. No. वो question गया. Second question. We have come to the क्वेश्चन कि बिग ब्लैक क्रो ने क्या बोला था,
क्या बोला बिग ब्लैक क्रो ने? क्रो ने क्या बोला कमिट्टू को? टेल मी, यू कैन टेल इन हिंदी आल्सो, आप हिंदी में भी बोल सकते हैं. क्या बोला था? कमिट्टू को बोला कि दिया ट्री है, माय ट्री. Yes, this is my tree. यह मेरा tree है. तो big black crow ने क्या बोला था? This is my tree. Go away. This is my tree. क्या बोला? This is my tree. And what did Mittu see? Tree? Mittu tree के नीचे क्या देखा? Tell me. What did Mittu तो सो अंडर द ट्री क्या देखा मित्तू ने? ट्री के अंदर विच बैलून? कौन सा बैलून देखा? वेरी गुड, रेड बैलून देखा. तो वेरी गुड. तो आज के हमने जो स्टोरी पढ़ी, व्हाट वाज द नेम? स्टोरी का नेम क्या था? और कौन सा? येलो मैंगो. वेरी गुड, वेरी गुड. क्लैप फॉर योरसेल्फ, क्लैप फॉर योरसेल्फ. ओके, टू येलो मैंगो. सब लोग क्लैप करो. अच्छा आंसर दिया. क्लैप फॉर योरसेल्फ. सो द नेम ऑफ द स्टोरी इज मिट्टू एंड द येलो मैंगो. मिट्टू वाज अ मिट्टू वाज व्हिच कलर? मिट्टू वाज अ बर्ड. कौन सी बर्ड थी मिट्टू? मिट्टू कौन सा बर्ड था? Green what? Parrot. Very good. So Mittu was a green parrot. And what did Mittu like? क्या पसंद था? येलो मैंगो था. तो मिट्टू लाइक मैंगो. अब आप सब लोग म्यूट कर दीजिए. मैं वन बाय वन क्वेश्चन पूछूंगी, दे विल आंसर. ओके, सब लोग म्यूट कर दीजिए. मैम जिससे पूछेंगे उनका आंसर होगा. ओके, चलो म्यूट कर दीजिए. म्यूट कर दीजिए. वेरी गुड. म्यूटेड निहारिका, म्यूटेड सब म्यूट कर दीजिए. ओके, पहला क्वेश्चन इज फॉर मेघ. मेघ आ जाइए. पहला क्वेश्चन आपके लिए. मेघ आ जाइए. कम मेघ, कैन यू लिसन? बेटा अपना माइक ऑन कीजिए और वीडियो ऑन कीजिए ताकि मैम आपको देख पाए. मेघ शिंदे, मेघ शिंदे. यस बेटा. ओके, टेल मी कि हाउ डू अ क्रो स्पीक? क्रो कैसे बोलता है? क्रो कैसे बोलता है, बोल के दिखाओ. व्हाट इज द वॉइस ऑफ अ क्रो? क्रो की वॉइस कैसी है, बोल के दिखाओ. बोलो. की 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 काऊ 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 काऊ. आपने अपने आसपास क्रो देखे होंगे. क्रो कैसे बोलते हैं एक बार बोल के दिखाओ अच्छे से. काऊ 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 काऊ. ओके, नाउ व्हाट इज द कलर ऑफ द क्रो? ब्लैक. वेरी गुड, ब्लैक. Now, okay, Shobh, Yukta, next question is for you. आप आ जाइए. मित्तु saw under the tree. Under the tree. मित्तु ने tree के under क्या देखा था? Balloon. Balloon. Which balloon? Which color balloon? Red, black. Very good, red balloon. Okay, very good. Clap for Yukta. Okay, Anushka, next question is for you. Anushka, aa jaiye. What was the idea that Mittu got? Mittu ka kya idea tha? What was the idea of the Mittu? बलून को फोड़ दूंगा तो वो डर जाएगा.
वेरी प्लान्ड पैरेट के पास के आई विल गो टू द पैरेट एंड आई विल बर्स्ट द बैलून वेरी गुड नाउ निहारिका आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रो को क्या लगा जब मित्तू ने बलून को फोड़ा तो क्रो क्या हुआ बताओ फूट गया फूट कैसे फूटा बलून टेल मी अच्छे से बोलो कैसे फूटा तेज आवाज आई धीरे आवाज आई चुपके से फूटा कैसे फूटा बलून धीरे आवाज से और फिर क्रो को क्या लगा और क्रो को कैसे लगा जब क्रो ने आवाज सुनी तो क्रो को क्या हुआ बंदूक किसी बंदूक से चलाया किसी ने बंदूक चलाया हाँ वेरी गुड लेकिन हाँ जी तो हाँ जी अच्छा ओके यशराज अब आप बताओ फिर क्रो ने क्या किया जब उसको लगा कि किसी ने गन चलाई है फिर क्या हुआ बताओ जब क्रो को लगा कि गन चला फिर क्या हुआ क्रो गिर गया फिर क्या हुआ बताओ फिर क्या हुआ क्रो फेल उसे मारना चाहता है क्रो को तभी वो भाग गया और तभी नहीं आया वेरी गुड देन व्हाट वो भाग गया और फ्लू और ही रैन अनुष्का ही फ्लू और ही रैन बताइए अनुष्का फ्लू अवे और ही रैन बताओ क्रो रन करेगा कि क्रो फ्लाई करेगा बोलो टेल मी वेरी गुड तो द क्रो फ्लाई फ्लू आ गया आप सब लोग अपने लिए क्लैपिंग करिए आप सब क्लैप फॉर योरसेल्फ अच्छे से क्लैप करो अपने लिए सबके लिए वेरी गुड नाउ नेक्स्ट क्लैप वेरी गुड जल्दी आना I will tell you we will do moving question we will read we will follow okay कर आपने क्वेश्चन आज आपने बहुत अच्छे से परफॉर्म वेरी गुड क्लास अभी ओवर होती है ओके थैंक यू मैम टेक केयर बेटा थैंक यू बेटा वेलकम टेक केयर क्या खाली दीजिए क्या खा रही है प्यारू प्यारू कहाँ से आए भूख लगे ला ले और से चल के खाते रहे खाते ही रहो फिर डांट खाओ मैम क्या से हाँ ये हाँ यस पटेल एक बार टम लाओ दिखा दो नीरू पटेल एक अंगूर देख दिया मार खाइए हाँ
फटफट पर नहीं आओ अभी तू आना आओ आओ ठीक है कल तब आ अरे आ हम लोग ऊपर खेलेंगे बाय बाय हेलो हेलो हेलो